जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनो अयम् जयतु जयतु कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीपः जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलाङ्गो जयतु जयतु पृथ्वी भारनाश मुकुन्दः हरे कृष्ण। आजर प्रसंग बलि महाराज निकटर बामन देव दान भिक्षा। बलि महाराज बामन देव को दान देवाई प्रतिश्रुतिबद्ध, किंतु बलि महाराज गुरु शुक्राचार्य दान देवाकू बारण करुचंती। से कहुचंती जे जे तम समक्ष रे दान नेबाकू छिड़ा होइचंती से हेउचंती स्वयं विष्णु। तुम्हें कही पार जे तुम्हें प्रतिज्ञा करिछ, सुतरां तुम्हें ताहा प्रत्याख्यान करिबो किपरि। हे असुर श्रेष्ठ, ए विषय रे बहुत श्रुति बाणी मोठारु श्रवण कर। ओम शब्द सहित जो प्रतिज्ञा करा जाए ता सत्य, एवं ओम शब्द नथिले ताहा मिथ्या अटे। पुनश्च शुक्राचार्य कहुछंती, सत्यं पुष्पफलं विद्यादात्मवृक्षस्य गीयते वृक्षे अजीवति तन्न स्यात् नृतं मूलमात्मनः। वेदरे कहा जाइछि जे सत्य ए शरीर रूपक वृक्षर फूल एवं फल स्वरूप, किंतु शरीर रूपक वृक्ष जदि न रहे ताहले सेथिरे सत्य रूपक फूल एवं फलर संभावना रहे नाही। मिथ्या जदि से शरीर रूपक वृक्षर मूल हुए ताहले ताहार साहाज्य व्यतीत सत्य रूपक फूल एवं फल लाभ करा जाई पारे ना। इस श्लोक रे विश्लेषण करा जाई छि जे भौतिक शरीर सहित संबंधित सत्य वस्तु मिथ्या स्पर्श व्यतीत तिष्ठि पारे नाही। मायावादी माने कहंती ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, आत्मा सत्य एवं बहिरंगा प्रकृति मिथ्या। वैष्णव दर्शन रे किंतु ये मायावादी सिद्धांत को स्वीकार करा जाए नहीं। जुक्ति दृष्टि यदि यही जड़ जगत को मिथ्या बोली स्वीकार करा हुए तथापि जीव जड़र शरीर साहाज्य व्यतीत माया बंधन रु मुक्ति हो पार ना। शरीर साहाज्य व्यतीत धर्म अनुशीलन करा जाई पारिब नाही, एपरिकी मनोधर्मी ज्ञानर चर्चा मध्य करा जाई पारिब नाही। तेणु फूल एवं फल शरीर हेतु प्राप्ति हुए, शरीर साहाज्य व्यतीत फल लाभ करा जाई पारे ना। वैष्णव दर्शन रे तेणु युक्त वैराग्यर निर्देश दिया जाइछि। कथा एपरि नुहे जे शरीर भरण पोषण पाई सबु किछि करबाकु हेबो, ता संगे संगे शरीर पालन एवं पोषण अवहेला मध्य करबा उचित नुहे। जेतेबेले पर्यंत शरीर रहिछि से पर्यंत निष्ठा सहकारे वैदिक उपदेश विषय रे ध्यानरत रही जीवनर अंतिम समय रे सिद्धि लाभ करा जाई पारे। श्रीमद् भगवत गीता लेखा अछि, जंग जंग बापी स्मरण भावं त्यजन्त्यन्ते कळयवरम। मृत्यु समय रे सबु किछि विषय रे परीक्षा हबो, तेणु ये शरीर अनित्य हेले भी ता द्वारा श्रेष्ठ सेवा संपादन करी जीवन को सार्थक करा जाई पारे। पुनश्च शुक्राचार्य कहउछंती, तद यथा वृक्ष उन्मूलः शुष्यतु वर्तते अचिरात् एवं नष्टानुतः सद्य आत्मा सुशीर्ण संशयः। वृक्षर मूल उत्पाटित हेले जेपरि ताहा भूपतित हुए एवं शुष्क हेबा को आरंभ करे, सेहिपरि जो व्यक्ति शरीर जत्न न निए जहाँ को मिथ्या बोली मने करा जाए, अर्थात मिथ्या को जदि उत्पाटित करा जाए ताहले ताहा सुखी जाए, से विषय किसी सन्देह नहीं। ए प्रसंग रे शील रूप गोस्वामी कहिछंती, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुखुभि परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते। वस्तुर कृष्णंग सहित कि संबंध अछि ताहा न जानी जे ताहा त्याग करे तार से त्याग बा वैराग्य असंपूर्ण अटे। शरीर जेतेबेले भगवान को सेवारे युक्त हुए सेतेबेले ताहा जड़ हो रहे नाही।
बेले बेले श्री गुरुदेव चिन्मय शरीर को भूल वशतः जड़ बोली मन कराए किंतु श्री रूप गोस्वामी कहते प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तु न जो शरीर सर्वतो भावे श्रीकृष्ण सेवार युक्त ताको जड़ शरीर बोली अवहेला करिबा उचित नुहे जो व्यक्ति ताको अवहेला करती वैराग्य मिथ्या अटे जदि शरीर यथाथ भाव जत्न निया जाए ताहले उत्पाटित वृक्ष परी ताहा पतित हेब एवं सुखी जीव एवं सेतेबेले सेथिरो आउ किछि फूल फल मिलिबो नाही। शरीर साहाज्यरे परम तत्व ओं तत्सत्ंकर संतोष विधान पाई जो कार्य संपादित हुए ताहा अनित्य शरीर द्वारा संपादित हेले मध्य केतेबेले भी ताहा अनित्य नुहे। वास्तविक क्षेत्र रे ए प्रकार कार्यकलाप नित्य स्थायी तेणु यथाथ भाव शरीर जत्न नेवा कर्तव्य। शरीर जेहेतु अनित्य तेणु जदि कौन बाघता को खावाक आसब कि शत्रुता को बद्ध करने को आसब सेमुखें रखा उचित नुहे। शरीर को रक्षा करने समस्त प्रकार सवधानता अवलंबन करने उचित। सुतरां शुक्राचार्य परोक्ष भावे एठी बलि महाराज को कहुचंती जे तुम शरीर को रक्षा करिबा दरकार नचे तुम समक्ष रे जो विष्णु दंडामान होइचंती से तुम राज्य धन संपद सबु नै तुम शरीर मध्य नै जिवे तेणु तुम्हें ई दानरु विरत रह। एबे देखिबा को बाकी रहिला बलि महाराज कौन करुचंती आजर प्रसंग को एठी रखुची। हरे कृष्णा।